वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है न्यू ईयर स्पेशल मेकअप लुक। जो जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। जो वहाँ पर मैं बहुत जल्दी बहुत अपडेट देने वाली हूँ एंड देती रहती हूँ। सो जो भी होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड और बकबक करते ना हुआ लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले यूज करेंगे लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। ये व्हाइट एंड पिंक अंडरटोन में है बट ये बहुत ही अच्छा खासा प्राइमर है। आपकी पोर्स को बहुत अच्छे से मिनिमाइज करेगा एंड एक बहुत अच्छा खासा स्मूथ बेस भी देगा। अब यूज करेंगे हम कलर करेक्टर। इसके लिए आज मैं यूज करूंगी मिस क्लेयर की कलर करेक्टर। मैं एक ब्रश की हेल्प से इस कलर करेक्टर को अपनी डार्क सर्कल एंड जो भी पिगमेंटेशन है उसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी एंड एक विद स्पॉन्ज की हेल्प से मैं बहुत अच्छे से इस कलर को ब्लेंड भी कर लूंगी। सबसे पहले करेंगे आज हम लोग आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं आज यूज करूंगी मेबेलिन की एज रिवाइंड कंसीलर। मैं इसको अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करूंगी जिससे मेरा जो आईलिड का जो डार्कनेस है वो कवर अप हो जाएगा एंड देन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अभी हम लोग कंसीलर को सेट करेंगे मेबेलिन के लूज पाउडर की हेल्प से। ये मास्टर फिक्स लूज पाउडर है व्हाइट अंडरटोन में बट ये आपकी फेस पे कोई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले आईब्रो को फिलअप कर लेते हैं। उसके लिए यूज करेंगे ये ब्यूटी क्लेयर्स की पैलेट में से ब्लैक एंड ब्राउन कलर को मिक्सअप करके मैं अपनी आईब्रो को फिलअप करूंगी। मैं थिक आईब्रो करूंगी क्योंकि मेरा आईब्रो थोड़ा सा थिन हो गया है तो इसके लिए थिक आईब्रो बहुत ज्यादा जरूरी है। देन मैं अपनी आईब्रो को शार्प दिखाने के लिए मेबेलिन का जो कंसीलर था उसको मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मेरे आईब्रो की एजेस को क्लीन कर लूंगी एंड देन मैं उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी जिससे आईब्रो मेरा बहुत ज्यादा शार्प दिखे। सो आई मेकअप के लिए आज हम यूज करेंगे ये जो लाइट ब्राउन शेड है इसको मैं आज डायरेक्ट क्रीज पे अप्लाई करूंगी एंड देन मैं बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड भी करती जाऊंगी। मैं एक सिंपल गोल्डन एंड ब्राउन आई लुक क्रिएट करूंगी जिससे आप
डे या नाइट कोई भी टाइम पे वेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी इस ब्राउन शेड को। एंड देन मैं इस पैलेट में से ये जो रेडिश मेरून शेड है मैं इसको लेकर अपने आउटर वी पे प्रेस करूंगी एंड देन मैं इसको अपने क्रीज के कलर के साथ ब्लेंड करती जाऊंगी। देन मैं इस पैलेट में से ये जो लाइट ब्राउन शेड है इसको लूंगी एंड अपनी एजेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लूंगी अपने क्रीज के कलर के साथ। आप देख सकते हो। एंड देन मैं एक फ्लैट ब्रश पे ये कंसीलर को ले रही हूँ एंड एक क्रीज ड्रॉ करूंगी जिससे ऊपर हम लोग गोल्डन ग्लिटर आई शेडो को प्रेस कर देंगे। अब देख सकते हो कंसीलर की हेल्प से मैं क्रीज भी ड्रॉ कर लूंगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मिलानिका आई शेडो पैलेट में से ये जो शिमरी गोल्डन शेड है इसको लेकर मैं फिंगर की हेल्प से कंसीलर के ऊपर प्रेस करती हुई जाऊंगी। थोड़ा सा फॉल आउट भी होगा सो प्लीज ध्यान से काम करना। सो अभी मैं वही सेम मेरूनी रेडी शेड को लेकर अपने आउटर वे पे प्रेस करूंगी एंड अपनी एजेस को ब्लेंड करती हुई जाऊंगी। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आईलैश कर्लर की हेल्प से अपने आईलैश को कर्ल कर लेंगे एंड देन हम यूज करेंगे मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं आज यूज करूंगी लॉरियल पैराडाइज की वॉल्यूमिनस मस्कारा। ये मस्कारा बहुत अच्छे से आपकी लैशेस को वॉल्यूम एंड लेंथ ही प्रोवाइड करेगा। सो फाउंडेशन के लिए आज हम लोग यूज करेंगे सुगर की ड्रॉप ऑफ द बेस फाउंडेशन। ये एक सीरम बेस फाउंडेशन है सो प्लीज आप इसको अप्लाई करने से पहले प्लीज चेक कर लीजिएगा बिकॉज इसका सीरम एंड फाउंडेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। देन मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करती हुई जाऊंगी एंड मैं अपने भाई से बात कर रही थी सो इससे प्लीज आप इग्नोर कीजिएगा। तो कंसीलर के लिए मैं यूज करूंगी सेम कंसीलर मेबेलिन की एज रिवाइंड कंसीलर। मैं अपनी यूजुअल पॉइंट जैसे अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, फोरहेड, चिन एंड पिगमेंटेशन एरिया पे मैं इसको अप्लाई कर लूंगी एंड देन मैं वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं सेम मेबेलिन की मास्टर फिक्स की पाउडर यूज करूंगी। एक लूज ट्रांसलूसेंट पाउडर है सो मैं इससे अपनी कंसीलर को सेट कर लूंगी। तो लाइनर के लिए आज हम यूज करेंगे सुगर की वाटर प्रूफ लाइनर। सो इससे मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर लूंगी। आप देख सकते हो एक बहुत ही थिक वाला विंग ड्रॉ करूंगी जिससे एक आई को बहुत ही विंगी वाला लुक आ जाए।
सो ये सेम पैलेट में से ये मैं एक फ्लैट ब्रश पे ये जो मेरोनीस जो शेड है मैं इसको लेकर अपने लोअर लैश लाइन पे एक स्मोक आउट कर लूँगी, जिससे लोअर लैश लाइन को भी एक बहुत ही अच्छा खासा डेप्थ मिल जाए। एंड मैं सेम अपनी दूसरी आई पे भी कर लूँगी। एंड देन मैं एक वही पैलेट में से जो ब्लैक वाला जो शेड था मैं उसको लेकर मैं अपनी रेड वाला जो शेड है मैं उसको स्मोक आउट कर लूँगी। सॉरी एक क्लिप मुझसे मिस्टेक से डिलीट हो गई है, सब देख सकते हो, थोड़ा सा आई बिगड़ भी दिखेगा। सो अभी हम लोग यूज़ करेंगे मेवलिन के वाइट काजल। मैं अपनी लोअर लैश लाइन भी यूज़ कर लूँगी, जिससे आई को एक बहुत अच्छा खासा डेप्थ एंड बिगर भी दिखे आई, आप देख सकते हो। एंड देन मैं यूज करूंगी लोअर लैश लाइन पे मस्कारा। तो अभी हम अपने फेस को ब्रॉन्जिंग करेंगे, उसके लिए यूज करूंगी मैं फिजिशियन फॉर्मूला की बटर ब्रॉन्जर। मेरा शेड है सन किस्ट आई थिंक। सो मैं बहुत ही लाइट हैंड से अपनी फेस को ब्रॉन्जिंग करूंगी, कोई कॉन्टूर मैच नहीं करूंगी, आप देख सकते हो बहुत ही लाइट हैंड से मैं करूंगी आज ब्रॉन्जिंग। अभी यूज करेंगे ब्लश। ब्लश के लिए मैं सेम ब्लश यूज करूंगी, फेसेस कनाडा के अल्टाइम प्रो HD ब्लश। इसमें थोड़ा सा सिमर पैटिसल्स भी है, जिससे आपके फेस के एक ड्यूबी लुक भी आ जाए एंड बहुत ही नेचुरल वाला ब्लश दिखेगा। अभी हम लोग यूज करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी सेम मिलानी का हाइलाइटर। यूजुअल पॉइंट पे, चिक बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड बो, चिन एंड थोड़ा सा मैं अपनी आईब्रो की जो लाइन है मैं उसको भी हाईलाइट कर दूंगी एंड इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट करने भूल गए, उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो लास्ट है लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं आज यूज करूंगी नायका की मिनी लिपस्टिक 17 गोल्ड। ये एक पिंक अंडरटोन में है, पिंक एंड रानी अंडरटोन में। सो ये बहुत ही अच्छा जाएगा इस लुक के साथ। देन मैं मेकअप को फिक्स अप करूंगी फेसेस की मेकअप फिक्सर से। ये एक बहुत ही मैट फिनिश फिक्सर है, बट बहुत अच्छे से आपकी मेकअप को फिक्स कर देगा। सो ये मेरा फाइनल लुक एंड गाइस हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय 2K19 एंड लॉट्स ऑफ लव।